1947 में जब भारत का पार्टीशन हुआ, इस बात का उन्हें बड़ा दर्द था, तब उनकी उम्र लगभग 15-16 साल रही होगी। पार्टीशन के 10 साल बाद तक वो अमरोहा में ही रहे और फिर 1957 में ही फाइनली माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। दिल अपना हिंदुस्तान में छोड़कर वो सिर्फ अपना जिस्म पाकिस्तान लेकर जा पाए। ये मैं इसलिए भी कह पा रही हूँ बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी वो पाकिस्तान में मुशायरा करते थे तो जो अमरोहा की जो यादें हैं और जो लखनऊ वालों के बारे में, तो उनकी जो शायरी में ये काफी झलकता था। उनकी जिंदगी का एक और पहलू जो मेरे सामने आया कि वो 8 साल की छोटी सी उम्र से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन ताज्जुब की बात मुझे ये लगी कि उनका जो पहला कलेक्शन आया तब वो 60 साल के हो चुके थे। उनकी फैमिली में भी काफी लिटरेरी स्कॉलर्स थे, उनके ब्रदर भी शायद थे, तो इतने टाइम तक उन्होंने अपने इस टैलेंट को क्यों होल्ड करके रखा हुआ था, तो ये मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। एंड आई एम नॉट श्योर दैट वेदर ही वॉज इन टू सम अदर प्रोफेशन और नॉट, सो लाइक अपने फन को लोगों से क्यों उन्होंने महरूम रखा इतने टाइम तक, तो ये थोड़ा सा मुझे परेशान करता है। एक दुख की बात मुझे ये भी लगती है कि जो उनकी कद्र जीते जी उनकी होनी चाहिए थी वो नहीं उनको मिली। उनका एक कपलेट है, जो गुजारी ना जा सकी हमसे हमने वो जिंदगी गुजारी है, जो गुजारी ना जा सकी हमसे हमने वो जिंदगी गुजारी है। इतना दर्द, अधूरापन और तड़प है उनके इन लाइनों में जो बयान करती हैं। दरअसल उनका जो वजूद था उस हिसाब से उन्हें जिंदगी में जो एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए थी, जो वैलिडेशन की जो वो तलाश कर रहे थे, जो ड्यू उन्हें मिलना था वो नहीं मिला। दो ही वॉज वेरी पॉपुलर, बट उनके जो कंटेम्प्रेरी फेलो आर्टिस्ट थे जो उन्हें रिस्पेक्ट और वॉर्म्थ की उम्मीद थी वो उन्हें नहीं मिली। इसका शायद उन्हें हमेशा मलाल रहा होगा। आई एम श्योर यू विल एग्री टू द फैक्ट दैट एप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट इज अ फूड फॉर द सोल ऑफ एनी आर्टिस्ट। हमें उनकी सही समय पे सही मोमेंट पर कदर करनी चाहिए। किसी के जाने के बाद उसके पीस ऑफ वर्क को रिकग्नाइज करना, ट्रिब्यूट देना, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लेगेसी विच दैट आर्टिस्ट लीव्स फॉर द वर्ल्ड टू चेरिश। I just want to emphasize here that we must recognize and value the art form and the artist well in time. ये इसलिए भी जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई चिराग हताश होकर बुझ जाए। अगर हुनर को प्रोत्साहन मिले तो ऐसे चिराग एक मशाल बन सकते हैं और दुनिया के लिए मिसाल। जब हम एक ट्रू आर्टिस्ट को एनकरेज करते हैं तभी वो अपनी क्राफ्ट को निखार कर उसके क्रिएटिव एलिमेंट्स को सबके सामने हिम्मत और मेहनत करके और बेहतरीन तरीके से ला पाने में सक्षम हो पाते हैं। अभी मैं आपके सामने उनकी नज्म पढ़ूंगी जिसका टाइटल है अजनबी शाम। धुंध छाई हुई है झीलों पर, उड़ रहे हैं परिंदे टीलों पर, सबका रुख है नशे मनों की तरफ। नशेमन यानी कि परिंदों के लिए घोंसला और बाकियों के लिए आशियाना। बस्तियों की तरफ, बनों की तरफ। धुंध छाई हुई है झीलों पर, उड़ रहे हैं परिंदे टीलों पर, सबका रुख है नशे मनों की तरफ, बस्तियों की तरफ, बनों की तरफ। अपने गल्लों को लेके चरवाहे सरहदी बस्तियों में जा पहुंचे, अपने गल्लों को लेके चरवाहे सरहदी बस्तियों में जा पहुंचे। दिले नाकाम मैं कहां जाऊं, अजनबी शाम मैं कहां जाऊं। धन्यवाद।